फ्रेंड हमारे साथ में आरिफ भाई हैं, जिससे कि हम कुछ बात करने वाले हैं। जानेंगे आरिफ के दोस्त सारस के बारे में, जो कानपुर चिड़ियाघर के अंदर कैद है। बताया जा रहा सारस बहुत ज्यादा बीमार है, उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है और चंडीगढ़ से डॉक्टर को भी बुलाया गया है सारस की देखभाल करने के लिए। तो अभी लाइन पे आरिफ भाई हैं, तो आरिफ भाई से बात करेंगे और जानेंगे कि आरिफ भाई कब जा रहे हैं अपने दोस्त सारस से मिलने के लिए। तो इस तरह की बहुत सारी बातचीत होगी, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और आपको पता चल जाएगा कि आरिफ का सारस किस तरह से है और उसका क्या हाल है। तो चलिए हम आरिफ भाई से बात करते हैं और आपको सुनाते हैं। तो सबसे पहले आरिफ भाई, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप अभी तक अपने सारस के लिए क्या कर रहे हैं और सारस को लेके आपका पहला उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहते हैं आप सारस को लेके? पहला मेरा अभी उद्देश्य रह गया, उसे मिलने दिया जाए, क्योंकि काफी टाइम हो गया, अब हम मिलने के लिए बोलते हैं तो मना कर देते हैं। अच्छा अरे भाई, मान लीजिए आप डायरेक्ट कानपुर चिड़ियाघर में चले जाते हैं बिना किसी को बताए, जैसे आम पब्लिक जाती है तो उस तरह से आप चले जाते हैं, तो क्या कुछ दिक्कत हो सकता है क्या? नहीं, कानपुर चिड़ियाघर के अंदर ही नहीं जाने दिया जाएगा, डायरेक्ट जाएंगे तो इसीलिए हम नहीं जाते, वहाँ से मना किया गया है तो इसीलिए नहीं जाते। अरे भाई, आप अपने दोस्त सारस को आजाद करवाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए उसको आजाद नहीं करते हैं, उसको किसी मतलब चिड़ियाघर में किसी बाड़े में बंद करके रखते हैं और उसको आजाद नहीं करते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो जाएंगे, देखेंगे, हम भी जाके उसको देखेंगे, फिर अपनी कोशिश जारी रखेंगे कि उसको आजाद किया जाए। अच्छा अरे भाई, ये बताइए, जैसे अगर जो किसी को उसका हक नहीं मिलता है, तो जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो आंदोलन करते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं, तो भविष्य में आपने भी सोचा है अगर आपको सारस नहीं मिलता है तो इस तरह का आप भी कुछ कदम उठाने वाले हैं या नहीं उठाने वाले, इस तरह से आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? जी बिल्कुल करेंगे, जैसे अगर नहीं मतलब सुनवाई होती कहीं से भी तो आखिरी चारा है, फिर तो करना ही पड़ेगा। अरे भाई, ये यूपी है, यूपी में आपको मालूम है योगी आदित्यनाथ की सरकार है और यहाँ की सरकार तो धरना देने ही नहीं दे रही है, तो आप क्या करेंगे? नहीं, जो नियम है उसी के तहत हम करेंगे, कानून के खिलाफ या जो है नियम के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। नहीं तो उसके लिए मतलब आप क्या करेंगे, किसी राजनीति पार्टी का सहारा लेंगे या तो आप किस तरह से करेंगे? अब देखते हैं कैसे क्या होता है, अभी तो हम फिलहाल कोर्ट जाने की सोच रहे हैं कि कोर्ट जाके पहले उससे मिलने की अर्जी लगाई जाए कि हमको मिलने दिया जाए, देखना चाहते हैं उसको, क्योंकि काफी दिन हो गया। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, रोज 10-12 किलोमीटर वो उड़ता था, काफी दिन से वो लगभग 2 महीने होने वाले उड़ा नहीं है वो, तो अब जैसे चलने वाला कोई इंसान हो रोज 2-4 किलोमीटर, ऐसे अमूमन जैसे लोग चलते ही चलते हो, अगर उसको एक जगह पे बंद कर दिया जाए तो बाकी लोग जो लोग देख रहे हैं समझ सकते हैं कितना परेशान हो जाएंगे वो, तो बहुत परेशान है वो, ठीक से खाना भी नहीं खाता जहाँ तक हमको जानकारी है, और बस एक ही दिन वो उछला था जिस दिन हम पिछली बार मिलने गए थे, अब दोबारा मिलने के लिए बोल रहे हैं तो जाने नहीं दे रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं बहुत ही जल्द उससे मिलने जाएंगे। तो आरिफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमसे बात किया, और फ्रेंड आप लोगों को पता चल गया होगा कि आरिफ भाई अपने दोस्त सारस से बहुत जल्द मिलने जा रहे हैं और इन्होंने कोर्ट में मतलब बातचीत हो गया इनका, और जब भी मिलने जाते हैं तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।